गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि आज भारती का हमारे घर पे पहला दिन है किचन में, जिसे हम कहते हैं पहली रसोई। एंड शी इज़ गोइंग टू प्रिपेयर सम स्वीट्स फॉर अस। शी इज़ बिट नर्वस, है ना? शी इज़ नर्वस नहीं, बस एक थोड़ा सा होता है ना कि सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो किसी को क्या पसंद आएगा, वी डोंट नो अबाउट दिस। आपको आपका कैसे एक्सपीरियंस है ऑन दिस, जिसने फर्स्ट रसोई बनाई होगी? तुम बना क्या रही हो? कुछ तो बना रहे मीठे में। सबसे पहले मैंने इसको दूध को निकाला है, अमूल ताज़ा अमूल मिल्क। ये बहुत अच्छा होता है, अमूल ताज़ा मिल्की मिल्क। तो जो भी मैं मीठा बना रही हूँ, आज स्टोन मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और अभी हम इसको गैस पे डाल देंगे। सुदामा माचिस, दही गिराई है वो। अभी इसको सेम गैस पे रखते हैं, ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए। चावल डल गए हैं खीर में और यहाँ पे रेडी हो रहा है ड्राई फ्रूट्स। इसको बनने में समय लगेगा क्योंकि ये अभी रझेगा, बॉईल होगा अच्छे से, उसके बाद ही हम लास्ट में इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, अभी शुगर डालेंगे, तब भी बन के रेडी होगा। होप फॉर द बेस्ट। आती हेलो, अरे तुम्हारा खीर तो बन चुका है। वाह, क्या क्या डाली उसके अंदर में? इट्स लुकिंग वेरी यम्मी। क्या क्या है? ड्राई फ्रूट्स, केसर, और राइस, इलायची, चीनी, चावल। अच्छा, इसको इतना हिला क्यों रही हो? ताकि ये जले नहीं। अच्छा, ओहो मैडम ती भारती, हेलो भारती, लगती है क्या ऐसे लगती है? अच्छा, अरे ये क्या है? ये तो खीर लग रहा है, खीर। ये तो तैयार हो गया यार। Almost. क्या क्या डाला है इसमें तुमने? बादाम, किशमिश, गांजू। अच्छा, इसमें क्या रह गया है? इलायची भी डाला है। इलायची भी डाला है, अरे वाह क्या बात है, तब तो बहुत बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है इसको खा के। और हमें कब मिलेगा खाने? अभी तो बन जाए पहले। इलायची और केसर मेन इंग्रेडिएंट है। वाह, सो आप सब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारती ने जो खीर बनाया है ये कैसा लग रहा है देखने में और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है। चीनी भी है इसमें। अच्छा, अब बोल रही है। और कुछ अगर लग रहा है कि खीर में होना चाहिए जो भारती ने नहीं डाला है, इसने अभी तक क्या क्या बोला है भारती तुमने? कांजू, सबसे पहले दूध, फिर चावल, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, ओके, केसर और चीनी। वाओ नाइस। सो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि भारती ने सब कुछ डाल दिया है इस खीर के अंदर और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हिला भी रही है ताकि दूध चिपके नहीं और प्रॉपर गाढ़ा हो जाए, राइट? सो लेट्स सी खीर कैसा बनता है और इसके अंदर में और क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए जो भारती ने नहीं डाला है, जो आप बनाते हो तो डालते हो, वो ज़रूर कॉमेंट में लिख के बताइएगा, तब आएगा मज़ा। जरूर बताइए, एंड इट्स डन। यम्मी, ये बन गया है। अभी इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे, जब ये ठंडा चिल्ड हो जाएगा फिर सबको सर्व करेंगे। और भारती का दिल है
क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि पहली बार इसने बनाया है बहुरानी ने अपने नए घर में। हाँ, किचन में टॉवल यूज करना चाहिए, हाथ गंदे नहीं हो। आप क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं बना रहा हूँ छाछ, मसाला छाछ। अच्छा, किसके लिए? खुद के लिए। के लिए? अपने लिए, इसके लिए। अभी कुछ समय बाद में हम खीर खाएंगे, देखते कैसा बना है खीर। आई विश कि अच्छा ही बना हो और भारती की तारीफ सब करे। सो आज भारती का बनाया हुआ खीर तैयार हो चुका है और ये देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। और रुचि दीदी अब इसको टेस्ट करने वाली है। दीदी लेट्स सी, देखने में तो बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है, खा के देखते हैं। कैसा है? यम्मी यम्मी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट मिठास, परफेक्ट ड्राई फ्रूट्स, सुपर सुपर एकदम वन प्लस रेटिंग। क्या बात है। तो फिर शगुन दो भारती को। शगुन मिलेगा? वाह वाह वाह, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद में बहुत सारी बची है, सब आपको कंप्लीट करना है। और बाहर के लोग भी सब खा रहे हैं, उनसे जाके। हाँ, सबसे एक एक करके पूछते हैं कैसा लगा सबको खीर। ये भाभी खीर खा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट बना, परफेक्ट, मजा आ गया। वाह 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 वाह, भारती को, भारती की बनाई हुई खीर भाभी को बहुत पसंद आई है। और भाभी का फेवरेट है ना खीर, भाभी। हाँ। खीर भाभी को बहुत पसंद है। और मैं भी सेकंड टाइम वापस से लेने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी बनी। वाह। अब मैं आ गया हूँ मम्मी के पास में। अब मम्मी के हाथ में ये कटोरी में खीर है और मम्मी से खाने वाली है। टंग टंग। मजेदार बना है। कैसा लगा मम्मी छोटी बहू के हाथ से बना हुआ खीर खा के? मजा आ गया बेटा खा के। आज मेरा शुगर ठीक हो जाएगा इसको खाने से। अरे वाह, क्या बात बताया मम्मी ने तो। मम्मी शुगर पेशेंट और मम्मी कह रही है कि खीर खाने से शुगर ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है मम्मी। प्याज से बनी हुई चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है शरीर में। अच्छा, ये तो है, ये तो है। लेकिन मम्मी आप ज्यादा मत खाना, ठीक है? आपको, आप शुगर पेशेंट हो, आप ज्यादा मत खाना। ऐसे लग रहा है आइसक्रीम खा रही हूं। अरे वाह। सो मम्मी भारती पास हो गई पहली रसोई में। एकदम पास किया, एकदम सुपर फास्ट। तब तो शगुन बनता है एकदम। सो क्या देने वाली है मम्मी? जो दूंगी सरप्राइज है। सरप्राइज है। बहुत बढ़िया। इसके अम्मी यार, भारती आपने सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। हमको तो लग रहा था सब ऐसी झूठी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन सच में बहुत ही यम्मी है। सो हेयर आई एम इंट्रोड्यूसिंग द शेफ जिसने आज का ये स्वीट डिश बनाया है, खीर। टंग टंग। सो भारती कैसा लग रहा है आपको? सबका इतना प्यार भरा कॉम्प्लीमेंट मिला है, सब इतने खुश है आपके डिश से। आज आपकी पहली रसोई थी और आप इतने सक्सेसफुल हुए, पास हो गए आप। अच्छा लगा कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई खीर, मम्मी को पसंद आई, दीदी को, भाभी को खीर बहुत पसंद है सुना, और आपको भी पसंद आई। हाँ, सच में बहुत पसंद आई। थैंक यू। तुम्हें था इंतजार ये मम्मी। किसकी जरूरत नहीं है भारती, ये क्या है? क्या मम्मी ने दिया है मुझे सिल्वर कॉइंस। अच्छा, वाह वाह वाह, दो क्वाइंस, एक तुम्हारा एक मेरा। हाँ, ठीक है, हम शेयर कर लेंगे, एक आपको दे देंगे, एक मेरा। सो गाइस, आज भारती की पहली रसोई थी और इसने सबको अपने हाथ से खीर बना के खिलाया। ये सुबह से लगी हुई थी किचन में
और खीर बनाना सच में बहुत लंबा प्रोसेस है, आज मुझको रियलाइज़ हुआ। इसने बहुत मेहनत किया, बहुत सक्सेसफुल रहा, सबको बहुत पसंद आया। आइए पूछते भारती को कैसा लगा सबको अपने हाथ से खीर बना के खिलाने में। मुझको इतना अच्छा लगा ना, मतलब खाना बनाना इज़ एन आर्ट, कोई भी किसी को टेस्ट नहीं दे सकता है। तुम कुछ बना सकते हो बट वो सबके मन को टेस्ट में बैठ जाए वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वाह, तुम्हें इतना अच्छा खीर बनाना आता है तो मुझे पता नहीं था, एक नया टैलेंट मुझे पता चला आपका। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। तो आज का खीर तो बहुत ही यमी था, बहुत ही टेस्टी था। नेक्स्ट देखते भारती क्या बना के खिलाने वाली है हम सबको और आपको भी। So stay tuned, good night everyone, do subscribe our channel for more videos, tata good night. Tata good night.